बुलाती है मगर जाने का नहीं। किसी महान शख्स ने बहुत सही कहा है कि बस ट्रेन और छोकरी इन तीनों के पीछे कभी नहीं पड़ने का। एक गई तो दूसरी आती है, दूसरी गई तो तीसरी आती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। इंदौर एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ है, बिल्कुल भी फ्री में आप लोग ये शो को देख सकते हो। इसमें टोटल 9 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 24 मिनट से लेकर 35 मिनट्स के बीच में ही। और शो की कहानी फोकस करती है कुणाल पे, जो कि इंदौर में रहता है, ये 12th स्टैंडर्ड में है और इसको अपने ही क्लासमेट तारा से बहुत ज़्यादा वो सच्चा वाला प्यार है। मैं वो ठरकी वाले प्यार की बात नहीं कर रहा, वो सच्चा वाला प्यार है जो कि एक ज़माने में देवदास, हीर, रांझा, लैला, मजनू, सोनी, फरहाद और करते थे, तो ये कुछ उस टाइप वाला प्यार करता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है, सेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए कुणाल मुंबई आ जाता है। अब उसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यार ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हर एक आज का आशिक हो या कल का आशिक हो या आने वाला आशिक हो, कहीं ना कहीं इस पूरी शो से कनेक्ट हो सकता है। और कह सकते हो कि ये एक मॉडर्न डे देवदास है, जहाँ पर हमें एक ऐसा लड़का देखने को मिलेगा जिसकी किस्मत कसम से गधे के से लिखी गई है प्यार के मामले में। और जिस हिसाब से शो को एग्जीक्यूट किया ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक फर्स्ट एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग है, इतना गजब का है कि भाई उसके बाद आप लोग नहीं हिलोगे, यकीन मानो नहीं हिलोगे। मैं वन शॉट में इस पर्टिकुलर शो को देखा, बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो शो में कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो, कुणाल के अलावा यहाँ पर हरी, महेश, तारा, रेशमा, बहुत सारे कैरेक्टर्स इतने मिलेंगे जिसको इस पूरे शो में बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। लेकिन यस, कुणाल के इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इस कदर डेवलप किया और जो जो चेंजेस और जो जो चीज़ें हमने उसमें फील किए ना, कहीं ना कहीं हम उससे खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है इस पूरे शो की। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, मुंबई और इंदौर के जो लोकेशंस पे ये सीरीज शूट हुई तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। और उस पर जो तुम तो ठहरे परदेसी और वो आवारा हवा का झोंका हूँ, यानी कि अल्ताफ राजा की जो सॉन्ग उसका यूज़ किया है, वो तो मतलब समझ लो एक उस पर्टिकुलर सीन्स को अलग ही लेके जा रहा था। और अल्ताफ राजा के जितने भी गाने हैं, वो जो आशिक है, जो दर्द भरे आशिक है, उनके लिए बहुत ही सूटेबल है। और उनके सॉन्ग्स एक ज़माने में क्या तूफान मचाए थे, वो तो आप सभी को पता है। अगर नहीं सुने हो तो भाई जाके सुन लो, मुझे उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इस पर्टिकुलर शो में जो उनके सॉन्ग्स को यूज़ किया और अल्ताफ राजा का भी एक स्पेशल अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, यार मज़ा आ जाता है। शो का बीजीएम, जैसे कि आपने अल्ताफ राजा की बात कर लिया, तो यार आप सोच सकते हो कि इसका बीजीएम किस लेवल का होगा। और म्यूज़िक बहुत अच्छा है इस शो का, आजकल के यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लगे। ऑल्दो ये शो की जो कहानी है वो सेट है 2008 में, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी वही सारी चीज़ें हो रही है, यानी कि ये तो एंडलेस है भाई, ये तो चलता ही रहेगा। प्यार इज इक्वल टू चूतिया पा। खैर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार ऋत्विक, जिसने यहाँ पर कुणाल का रोल प्ले किया है, मैंने उनके पहले भी शोज देखे हैं, एक ऐसा यंग टैलेंट है जिसको मतलब अगर पॉलिश करो तो बहुत आगे जाएगा। यार ऐसा लगता है कि यार इसको और थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शो को देखते दौरान हमको अर्जुन रेड्डी यानी कि शाहिद कपूर की याद आती है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो यार ऋत्विक ने बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस किया है। और दूसरे जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स है, चाहे वो महेश का रोल प्ले करने वाला हो या हरी का रोल प्ले करने वाला हो या तारा का रोल प्ले करने वाले हो, सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, राइटिंग शो की बहुत अच्छी लगी, और कुल मिला के ये एक वॉचेबल शो लगा जो इच एंड एवरी आशिक को देखना चाहिए। एंटर गाइडेंस के लिए तो भाई मैं एक ही चीज़ बोल दूँ कि ये शो आप अपने घर पर नहीं देख सकते। बहुत जम कर यहाँ पर बैड वर्ड्स का यूज़ किया गया और एडल्ट सीन्स है जो कि इस पूरे शो की नेगेटिविटी है। कुछ जगहों पे जो एडल्ट सीन है समझ में आते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे एडल्ट सीन्स है जिसका मतलब ज़रूरत नहीं थी, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी डाला गया। उसके अलावा शो के जो 9th एपिसोड है, मेरे हिसाब से अगर 7 एपिसोड होते स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जाता तो सिचुएशन में और भी ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं है, फ्री में एमएक्स प्लेयर पे है, जाओ देखो, मचाओ। और बस ट्रेन और छोकरी, बस समझ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।